हेलो, कैसे हैं बच्चों? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं एंड ये कंटिन्यूटी क्लास का है। आज न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। पिछले दिन जो हमने रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा था उसी के आधार पे, तो आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कुछ जाने माने क्वेश्चंस, कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस, हाउ टू डील विद दोज क्वेश्चंस। उसके बाद न्यूमेरिकल की एक अलग सेगमेंट होगी जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज सिर्फ हमने उस जो फॉर्मूला सीखा है उसके एप्लीकेशन बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, 5-7 क्वेश्चन, जिससे आपको कम से कम फेमिलियर हो जाए कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी के भी हो सकते हैं, कुछ आईआईटी के भी हो सकते हैं, कुछ मिले जुले क्वेश्चन हैं। डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है ताकि हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिले और एक अच्छा एक्सपोजर हो जाए हाउ टू टेकल विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो आज कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और न्यूमेरिकल में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लेते हैं कि एक ऐसे ट्रेंगुलर शेप है, ठीक है, और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस ट्रेंगल में, ठीक है जी, और इसमें एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, जिसमें 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ये हर एक रेजिस्टेंस जो है ये 30 ओम का है, 30 ओम्स का है ना, ये भी है 30 ओम का और ये भी है 30 ओम का। अब इसमें चूंकि करंट यहां से ऐसे फ्लो होगा तो इधर जाएगा है ना, करंट यहाँ पे करंट अगर आई निकल रहा है तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ करंट जाएगा। अगर इधर करंट मान लीजिए कि I1 जा रहा है तो इधर में कितना जाएगा, I-I1 जाएगा, और यहाँ से I-I1 आ जाएगा और यहाँ से फिर I1 आ जाएगा और दोनों मिलकर के फिर करंट क्या हो जाएंगे, I। तो ये I1 यहाँ पे भी करंट आएगा, इसलिए अब इसमें करंट चूंकि इन दोनों में सेम है, यहाँ पे हमें बताना है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इच रेजिस्टर, ठीक है ना। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, फ्लोइंग थ्रू सर्किट, ठीक है, थ्रू सर्किट, और ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। चूंकि तीनों रेजिस्टर मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए करंट भी हम ये मान सकते हैं कि तीनों में सेम होगा, ये I1 I2, आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम दिखाते हैं कि क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो चूंकि ये फिर करंट का फ्लो हमने दिखाया, क्योंकि करंट की मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे ऐसे है, ये इसमें I1 करंट है फिर इसमें भी I1 करंट है, आपको जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था तो ये कहा था कि सेम करंट जो है वो सब में फ्लो होता है, तो सेम करंट अगर मैग्नीट्यूड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये R1 R2 R3 याद आ रहा है ना, और इसमें करंट I, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन है, चूंकि इस सर्किट में भी I1 करंट, इस रेजिस्टेंस में भी I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है, इसलिए इन दोनों में हम कहेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर आर डैश इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान ले, इसको R1 मान ले, इसको R2 मान ले और ये R3 मान लिया जाए, ठीक है, तो इफ आर डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, देन व्हाट विल बी दैट, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज कॉम्बिनेशन है, दैट इज 30 प्लस 30 ओम, है ना। नाउ अब ये सीरीज कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये जो है एक, इसका टर्मिनल यहाँ पे है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, इसका भी पहला टर्मिनल यहाँ पे है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, तो इस ये अब कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के टर्मिनल क्या है, सेम, तो टर्मिनल सेम होने से ही कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं ये मान लूं इस सीरीज को चाहे तो हम दूसरे तरीके से फिर से एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट जो होगा ये 30 ओम का है और यहाँ पे जो दूसरा है वो रेजिस्टेंस, ये इन दोनों के बदले कितना आ गया, 60 ओम,
है ना, ये है आर डैश, आर डैश, और ये है आर थ्री। तो आर थ्री और आर डैश का अब ये पूरा क्या होगा, ये यहाँ पे ये सर्किट था हमारा, ठीक है, ये सर्किट ऐसे जुड़ा हुआ है, कोई नहीं। तो ये दोनों का टर्मिनल सेम है ना, तो इसलिए अब इनको पैरेलल कंबिनेशन कहेंगे। तो इफ आर विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन 1/R इज इक्वल टू 1/R' प्लस 1/R3, दैट इज 1/60 प्लस 1/30, दैट इज एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 1/60 प्लस 2/60, दैट इज 3/60, 3/60 मतलब 1/20 हो, तो 1/R इज इक्वल टू 1/20 एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू 20 ओम। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, 20 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरी सर्किट का निकल आया। अब करंट जो कि वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है, सो करंट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, करंट इज इक्वल टू V/R, वोल्ट बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वोल्ट कितना है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 20 एम्पीयर ओम, सो व्हाट इज दैट, अब 2/20, 22 वोल्ट अपॉन 20 ओम, तो ये हो गया 2/20 1/10, दैट इज 0.1 एम्पीयर। तो आइए एक दूसरा सवाल करते हैं, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपके पास एक लेटर ए टाइप का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पॉइंट है ए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर है, ये सेगमेंट, एक रेजिस्टेंस इधर है जो ए बनाने के लिए काम आता है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर है जो इसके साथ है, और फिर एक रेजिस्टेंस इधर है जो इसके साथ है। ये ए बी सी डी ई, ये दो टर्मिनल एंड है, आपको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट, हर एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये भी 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 10 ओम का है। इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड ई। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैलेंट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट, फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, बिटवीन ए एंड ई, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना। तो ये देखें कि यहां से ये जो कभी करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, ये दोनों एक के ही टर्मिनल है, एक जहां खत्म होता है दूसरा वहां जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज में है। अब इनका नाम दे दें कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है, तो R2 और R3 सीरीज में जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आगे से लिख देंगे, रेजिस्टेंस R1 इज गिवन बाय R1 डैश इज गिवन, सो R1 डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R3, सीरीज में है, तो R2 प्लस R3 10 ओम प्लस 10 ओम कितना हो गया 20, 10 प्लस 10 20 ओम, ठीक है। अब ये R1 डैश और ये जो है B और D के बीच में, तो ये पूरा एक हो गया और ये हो गया, दोनों के टर्मिनल B और D हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो R2 डैश इज इक्वल टू, यानी सेकेंड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 डैश 1/R1 डैश प्लस 1/R4, ये हो गया 1/R2 डैश इज इक्वल टू। अब इसमें क्या होगा कि 1/R1 डैश जो है 20 है, 1/R4 है वो 10 है, ये हो गया 2/10 20 प्लस 1/20 3/20, ये हो गया। अब ये जो है, अब सर्किट ये ऐसा बन गया, अब पहले देखिए यहां से ए, यहाँ पे ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, और ये है बी पहले था, और ये है डी, और ये है ई, और इन दोनों के बदले ए बी सी और सी डी के बदले हम लिख देंगे 20 ओम, यानी ये हो गया एक 20 ओम, है ना, ये 20 ओम और ये 10 ओम, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये मिल गया R2 डैश। अब इन दोनों के बदले आप 3/20 यानी 20/3 लिख सकते हैं, तो अब ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह का, ध्यान से देखें, अब ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह का कि ये है 10 ओम,
ठीक है, 10 ओम, और ये हो गया 20/3 ओम, है ना, और फिर ये हो गया कितना, 10 ओम, ठीक है, और ये हो गया ई. अब ए और ई के बीच में तीन रेजिस्टेंस है और तीनों सीरीज में है, तो R इज इक्वल टू फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या क्या होगा, इन तीनों सीरीज में है, तीनों का सम होगा 10 + 10 + 20/3, यानी ये हो गया 20 + 20, 23 = 16, 30 + 30 + 20, 80/3, ठीक है, 80/3 इज इक्वल टू 26.67 ओम. ये हो गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया आंसर. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे कैसे इसको ब्रेक करना है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए है यहाँ पे कुछ, है ना, और यहाँ पे इसमें 3 ओम का ये बी पॉइंट है ना, इसी के बीच में निकालना है. लेकिन यहाँ पर एक है, ये एक ऐसा ही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, एक ऐसा ही रेजिस्टेंस एक यहाँ पे भी है, ठीक है, और एक ऐसा ही रेजिस्टेंस एक यहाँ पे भी है. ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, और ये सबसे है 6 ओम का, ये 6 ओम का, और ये भी 6 ओम. यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे. ये है ए बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ये कह सकते हैं. अब इसके बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. यहां पे इन सब के बीच में भी, इन सब के बीच में भी रेजिस्टेंस एक मान लेते हैं कि लगा हुआ है, इन सब के बीच में भी एक एक रेजिस्टर लगा देते हैं 3 ओम का. अब निकालना है ये 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस एक यहाँ पे 3 ओम का, फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस एक यहाँ पे, और 3 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, 3 ओम का. अब निकालना है इनके बीच में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया. अब देखिए कि ए से शुरुआत करते हैं और बी तक जाना है हमें, तो व्हाट कैन यू से, ए और यहां से देखिए 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज में हैं क्योंकि एक ही टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, और ये 6, ये 6 का इस 3 का 3 6, और ये 6 किस में जुड़ा हुआ है, दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, अगर हम इस सर्किट को दोबारा बनाने की कोशिश करें, 3 ओम का ये बी, और यहाँ पे ये हो गया 6 ओम का, है ना, और कहाँ तक, डी पे ये हो गया 6 ओम का, और फिर ए और डी के बीच में भी 6 ओम का एक जुड़ा हुआ है, ये दोनों डी में जुड़ा हुआ है ना, ये 6 ओम और ये सी से होकर के 6 ओम, दोनों ही 6 ओम और 6 ओम हो गए, और यहाँ पे फिर ई, यहाँ पे 3 ओम, है ना, इस तरह का, और यहाँ पे भी 3 ओम का ये, तो ये 6 ओम का है और ये 3 ओम का है. तो इस तरीके से ये ई, फिर एफ और फिर बी, ऐसे ही है. तो ये 6 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में है, तो 1/6 + 1/6 = 2/6, यानी 1/3 हो गया. तो फिर ये सीरीज जो होगा, ये सर्किट जो होगा, कुछ इस तरह का होगा कि यहां से ए है और ये है बी, ये 6 और 6 मिल के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो 1/6 + 1/6 = 2/6, 2/6 दैट इज 1/3, 1/3 तो 1/r′=1/3, 1/r′=1/6 + 1/6 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3, तो आर डैश जो हो गया वो 3 ओम हो गया, यानी इन दोनों के बदले ये जो दो दिख रहे हैं इनके बदले हम 3 ओम लिख सकते हैं. तो यहाँ 3 ओम लिखोगे और फिर 3 ओम के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 ओम, क्योंकि सीरीज में हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, फिर ए और बी के बीच में यहाँ पे फिर हो गया ये 3 ओम,
3 ओम, और ये हो गया 6 ओम, है ना, और यहाँ पे फिर 3 ओम, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो 3 और 3 6 हो गया, फिर 1/6 + 1/6, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2/6, दैट इज 1/3। तो फिर इन दोनों का और इसका मिला के आ जाएगा, यानी ई तक मिला के आ जाएगा कितना, तो 1/3 ओम। फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम मिलके हो जाएगा 6 ओम। इस 6 ओम के साथ फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/6 इज 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, फिर 1/3 का हो गया 3 ओम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल होगा जैसे यहाँ पे दिखाया है उसी तरह से। तो यहाँ पे इस सब के साथ मिल करके ये हो जाएगा फिर 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम मिलके 1/6 ओम, 6 ओम हो जाएगा सीरीज में, और ये 1/6 + 1/3 ये पैरेलल में है, तो फाइनली जो आर होगा 1/r इज इक्वल टू 1/6 + 1/3, तो ये हो गया 2/6, 1/6 + 2/6 दैट इज 3/6, 3/6 इज 1/2, तो आर हो गया 2 ओम। ये हो गया इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात, 3 + 3 6, और 6 और 6 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1/6 + 1/6, 2/6 दैट इज 1/3, 1/r - 1/3 है, तो r- क्या हो जाएगा, 3 ओम, यानी इस पूरे का हो जाएगा ये 3 ओम। अब इस 3 ओम और इस 3 ओम के साथ जोड़ेंगे फिर सीरीज हो जाएगी 6 ओम, इस 6 ओम के साथ पैरेलल करेंगे तो फिर आ जाएगा 3 ओम, फिर 3 ओम और 3 ओम मिलके क्या हो जाएगा, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम के साथ पैरेलल करेंगे कॉम्बिनेशन तो फिर आ जाएगा उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ मिलके 6 ओम, और 1/6 + 1/3 इज 3/6 दैट इज 2 1/2 ओम, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 2 ओम। तो इस पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक ऐसा सर्किट है, जरा ध्यान से देखें, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक है, यहां से एक रेजिस्टेंस है, यहां से एक रेजिस्टेंस है, और यहां से भी एक रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट के बीच में यहां पर ए है और यहां पर है बी, और इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ये सब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सब बराबर है, और सब किसके बराबर है, 4 ओम के बराबर है। तो ये नाम दे दें R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एक ही बात है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 4 ओम दिया हुआ। अब जरा ध्यान से देखें, ए और बी के बीच में हमें निकालनी है, ऐसे पता नहीं चल रहा। अगर इसको ए को फैलाया जाए और खोल के इसको इस तरफ ले आया जाए तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ए यहाँ हो जाएगा, और ए से एक टर्मिनल आएगा छोटा सा, और वहां से दो भागों में बट रहा है, दो भागों में, तो एक इधर जाएगा ये रेजिस्टेंस, एक इधर आएगा ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने वाला भी एक रेजिस्टेंस होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों से, इन दोनों जो टर्मिनल हैं, जो दोनों जोड़ रहा है, वहां से दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R5, तो यहां से एक रेजिस्टेंस है R1 और एक है R5, और ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, R5 और ये दोनों जुड़े हैं, और ये दोनों जहां से जुड़े हैं वहां से बी जुड़ा हुआ है, वहां से जुड़ा हुआ है बी, तो ये हो गया R1, ये हो गया R5, और ए से जो दो गए हैं एक R2 और एक R4, तो ये हो गया R2 और ये हो गया R4, और जो दोनों R2 और R4 को जोड़ रहा है वो है R3, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। अब एक नई बात सीखते हैं, एक होता है किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है, बट यहाँ पे हम थोड़ा उसका एप्लीकेशन बताते हैं।
स्टोन ब्रिज क्या है और उसका क्या मतलब है, जरा देखिए। अगर ये कोई इस तरह का ये एप्लीकेशन है, अभी फिलहाल इतना याद रखिए, आगे हम इसका प्रूफ बताएंगे और क्यों होता है ये भी बताएंगे। तो क्या है पूरा डिटेल, अगर ये पी है, ये रेजिस्टेंस क्यू है, ये है आर, ये है एस, और ये पूरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये की है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, और इनके बीच में, ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक चीज लगा है रेजिस्टेंस, जिसको आईजी कहते हैं, यानी आईजी भी एक रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं आईजी, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो इसमें अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो, तो ब्रिज को बैलेंस कहा जाता है, और बैलेंस होने की वजह से ये जो बीच वाला जो दोनों को जोड़ रहा है टर्मिनल को, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, देन करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। यानी अगर ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो, तो करंट जो इसके ब्रिज के मिडिल से निकल के फ्लो हो रहा है, वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो इसी तरह से यहां पे ब्रिज के दोनों तरफ, ये जो ब्रिज है इसी को ब्रिज हम कहते हैं, इसके दोनों तरफ और नीचे भी दोनों तरफ करंट की वैल्यू सेम है, यानी R2 बाई R1 R4 बाई R5 के बराबर हो। यहाँ पे R2 बाई R4 बराबर R2 बाई R1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R5 हो, क्या है, हाँ है, दोनों ही 4 ओम है, 4 ओम बाई 4 ओम 1, 4 बाई 4 1, तो ये बैलेंस है। इसका मतलब है देन सिंस करंट थ्रू R3 इज जीरो, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं, करंट निकलेगा तो इधर से जाएगा या इधर से आएगा, अगर इधर से I1 गया तो इधर से I-I1 आएगा, अगर करंट यहाँ से टोटल I फ्लो हो रहा है तो ये I1 इधर जाएगा, तो I-I1, यहाँ पे भी I-I1, इधर भी आएगा I-I1, और यहाँ से I1 चलेगा तो इधर भी जाएगा I1, क्योंकि इधर कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा। फिर ये I-I1 यहाँ से आएगा और I1 यहाँ से आएगा, और दोनों मिलकर फिर I बाहर हो जाएगा। तो इन दोनों में I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R2 और R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कि इफ R1 R' इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, देन R1 R' इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, दैट इज व्हाट, 4 ओम 4 ओम मिलके 8 ओम है ना। सिमिलरली इफ R' इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड R5, देन R' इज इक्वल टू R4 प्लस R5, दैट इज 4 प्लस 4, दैट इज 8 ओम है ना। अब ये दोनों जो है R1' और R" ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो अब इनको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो ये कुछ सीरीज ऐसा हो जाएगा कि ए ये है, ए यहां से इस टर्मिनल से और यहां से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 8 ओम का है, और यहाँ पे एक है 8 ओम का, और दोनों किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में, तो इनके बीच में फिर आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, दैट इज 2 बाई 8, 2 बाई 8 इज 1 बाई 4, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4 ओम। तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरी सर्किट का 4 ओम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन है अगला, ओके, क्वेश्चन है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन आउट सच दैट
इट्स लेंथ बिकम ट्वाइस, लेंथ बिकम्स ट्वाइस ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो अब पहले जो वायर था, मान लेते हैं कि ये जो वायर है इसका लेंथ जो था वो एल था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, है ना। रेजिस्टेंस इसका आर कितना था, आर वन रेजिस्टेंस, इसका आर वन का रेजिस्टेंस था 5 ओम। तो वी नो, क्या हम जानते हैं, रेजिस्टिविटी आर वन इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए। एल हमें मालूम नहीं, ए भी मालूम नहीं, बट रो एल बाई ए, ये एक इक्वेशन हो गया। इस वायर को क्या किया गया कि इसकी लेंथ ड्रॉन आउट करके इसकी लेंथ जो है वो पहले वाली लेंथ से डबल हो गई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हुआ होगा, ये हो गया पूरा 2L, है ना। इसका एल वन, मगर हम ये मान लें कि एल वन एल के बराबर है, तो ये हो गया एल टू किसके बराबर है, 2L के। आर टू निकालना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ होगा, तो चूंकि वायर को हम चाहे जिस भी शेप में चेंज करते हैं वॉल्यूम तो बदलता नहीं है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। अब हमें आर टू निकालना है, ए टू का भी हमें पता नहीं है कि कितना है अभी, तो सिंस अब लिखते हैं कि वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स सेम, देयरफॉर ए एल इज इक्वल टू यहां पे, और इसका क्या हो जाएगा, ए टू एल टू, ए टू एल टू इसका वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ। ए एल, ए वन एल वन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए टू एल टू हो जाएगा। ए वन ए के बराबर है और एल वन एल के बराबर है, यहाँ ए टू का पता नहीं, लेकिन ये जो है एल टू जो है वो टू एल के बराबर है, एल से एल कैंसिल हो गया, ए टू हो गया कितना, ए बाई टू। नाउ न्यू रेजिस्टेंस आर टू इज इक्वल टू, एंड देयर फोर न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर टू इज इक्वल टू वॉट, आर टू इज इक्वल टू रो एल टू बाई ए टू, और रो एल टू क्या है, एल टू जो है हमारा वो टू एल के बराबर है, 2L के बराबर, और A2 कितना है, A by 2 के बराबर, ये भी 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टाइम्स रो L by A हो गया, और रो L by A जो है वो कितना है, R1, so this is 4 times of R1 from first, और R1 रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ जी, that is given 5 ohm, so 4 into 5 ohm, since R1 is given 5 ohm, वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 5 ohm था, So, कितना रेजिस्टेंस हो गया इसका, 20 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गया, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों आधे आधे हो गए, इसलिए चौगुना हो गया। तो ये चौगुना का मतलब 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स हो गया 20 ओम। ये बात प्रूफ कर दिया कि रेजिस्टेंस किस तरह से लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आगे ना। तो इस तरीके से थोड़े से न्यूमेरिकल अभी हमने कर दिए, ज्यादा डिटेल न्यूमेरिकल्स जब चैप्टर खत्म होगा तो फिर होगा, अभी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड बीच बीच में न्यूमेरिकल करवा दिया कि जो हमने पढ़ाया था उसके आधार पे इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं स्कूल्स में, और आप उसको इस तरीके से टेकल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमें लिखें, हम उसका क्लेरिफिकेशन जरूर देंगे।
तो इस तरीके से आप इस चैप्टर में कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है वो आपने देखा। आगे इसमें और भी बहुत तरह के न्यूमेरिकल होंगे जिसमें कैपेसिटर भी लगा होगा, जिसमें बैटरी और भी लगी होगी, कई सारी एक से ज्यादा बैटरी लगी होगी, तो उसमें हम कैसे करेंगे डील, वो सब आगे की क्लास में होगा। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।